खुद का हैंडमेड नोट्स होना या बनाना बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है जब आपको एक दिन में आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना होता है या फिर कभी भी कम टाइम में आपको कोई भी चैप्टर रिवीजन करनी हो। तो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है कि आप अपना नोट्स कैसे बनाएं या फिर नोट्स कब बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए और कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है टू मेक दिस नोट, ईच एंड एवरी थिंग मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगी। सो हाई, माई नेम इज़ क्रीना झा और इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट नोट मेकिंग। उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नोट्स आपने नहीं बनाया तो आप कोई एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। हाँ, नोट मेकिंग आपका प्रोसेस ईज आउट कर देता है, रिविजन क्विकली हो जाता है, बट हाँ आप बिना इसके भी पास हो सकते हो। बट ये एडवांटेज क्रिएट करता है कम टाइम में अच्छे से सब कुछ रिवाइज करने के लिए। तो मैं आपको बता दूंगी कि आपको कब नोट नहीं बनाना चाहिए और कब बनाना चाहिए। सो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। पहली बात, आपको 3 पेन लेना है और सस्ती वाली लेना है, ऐसा हाई फाई ज़रूरत नहीं है। एक ब्लू, ब्लैक एंड रेड, दैट्स इट। अभी इससे ज़्यादा कलर मत लेना। एंड 1 हाईलाइटर और एक नॉर्मल सी बुक, दैट्स इट। ये 5 चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं रखनी आपको, ठीक है, ये हो गया। सेकेंड है, बी अटेंटिव इन क्लास। आपको जब तक पता ही नहीं कि ये कंटेंट में क्या लिखा है, क्या इम्पॉर्टेंट है, तो आप जब नोट्स बनाओगे तो आप तो सब कुछ लिखते जाओगे। सो ऐसा नहीं करना, आपको क्लास में ध्यान देना, आपको देखना है कि कौन सी चीज़ आपको नहीं समझी उसको टिक करना है ताकि आप सिर्फ उसका नोट्स बनाओ। और जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो, फर्स्ट रीडिंग में कभी भी आपको नोट्स नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पहले रीडिंग में तो आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा। आपको जो चीज़ आराम से समझ रही है आप वो भी नोट्स बना दोगे तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए तब तो नोट्स नहीं बनाना है आपको। आपको सेकेंड रीडिंग में जब आपको फिल्टर आउट हो जाएगी चीज़ें, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मेरे को थोड़ा ट्रिक जा रहा है, तब नोट्स बनाना। थर्ड है कि नोट्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है लॉन्ग नोट्स और एक होता है शॉर्ट। अभी लॉन्ग नोट्स हम ना क्लासेस के टाइम बनाते हैं या फिर जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो और अपना फर्स्ट या सेकंड रीड कर रहे हो तब बनाई जाती है। तो बेसिकली मेरे पास तो सारे लॉन्ग नोट्स ही थे क्योंकि मैंने क्लासेस के टाइम ही अपने नोट्स बना दिए थे, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, स्पेशली जब क्लासेस के टाइम बना रहे हो। आपके टीचर्स अगर आप जो लिखा रहे हैं आपने वही अच्छे से लिख लिया, वो ही बहुत अच्छे से काम आते हैं। जैसे मैं अपना बता देती हूँ, सी ये जो मेरा नोट्स है ना, मैं बाद में इसके पिक डाल दूंगी आपके लिए, ये मैंने क्लासेस के टाइम लिखा था, ठीक है। तो ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था मेरे लिए। तो आपको क्या करना है, जैसे आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपको, आपको सब कुछ नहीं लिखना, आपको जो भी समझो और देखो कि भाई ये चीज़ समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही है, तो उसको अपने लैंग्वेज में या फिर हिंदी में भी लिख सकते हो आप। एक सिंपल में कोई भी मीनिंग है, आपको टीचर ने समझा दिया, तब भी जाके एक 1 लाइन समरी में लिख दो, ठीक है टीचर। सो आपको बेसिकली पूरा नहीं लिखना होता है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ही लिखो, और यूज़ फ्लो चार्ट या फिर समरी। आप फ्लो चार्ट कैसे बना सकते हो, आपको बेसिकली सिर्फ 3 क्वेश्चन का जवाब लिखना होता है एक ही पेज में। ये है कि ये क्या है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, ये 3 का आपको बस जवाब देके आपको एक पेज में जो भी चीज़ आप समझ रहे हो आपको आराम से लिख देनी है। पहले मैं आपको एंड में अपना जो नोट्स है वो एक्सप्लेन कर दूंगी, अभी बेसिक बता रही हूँ। सबसे पहले आपको कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो उसका मीनिंग 1 लाइन में लिख दो, ठीक है। अगर कैरेक्टरिस्टिक लिख रहे हो, सिर्फ उसका जो कीवर्ड्स है ना, जो पहले लाइन, सिर्फ आपको वो चीज़ लिखनी है। तो ऐसे करके आप अपना नोट्स बना सकते हो, मैं आपको अपना नोट्स एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। ये हो गया टाइप, फ्लो चार्ट, समरी, शॉर्ट नोट्स, ये सब। और जो लोग मुझे बोल रहे थे कि आप अपने नोट्स ही दे दो, सी सबके नोट्स अलग होते हैं और आपको दूसरों के नोट्स लेने भी नहीं चाहिए। या तो आप खुद का नोट्स बनाओ या फिर आपको जो क्लासेस मिल रहा है, आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्लासेस के नोट्स से ही पढ़ो, क्योंकि जो दूसरों का नोट्स है ना उन्होंने अपने टाइप और अपने हिसाब से बनाया होगा। तो आपको पहली बात वो नोट्स समझने में ही आपको टाइम लगेगा। और सी मैं खास बात बता दूँ आपको नोट मेकिंग के लिए, नोट्स ऐसा बनाओ कि आपको समझे। आपको 10 जन को नहीं देना रहता है वो चीज़, अगर आपको समझ गया वही आपका हैंडमेड नोट्स है, क्योंकि आपको समझ रहा है जो आपने लिखा है। फिर मैं अपना नोट्स आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, तो इस बात का ध्यान रखना।
सो अब बात करते हैं कि आपको कब नोट्स बनाने चाहिए और कब नोट्स नहीं बनाने चाहिए। सबसे पहले समझो, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में है, तो आपको अक्टूबर नवंबर नोट्स मेकिंग ये सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना चाहिए। लेकिन अभी समझो जुलाई चल रहा है, जुलाई एंड, तो अभी ये बेस्ट टाइम है, अभी सेप्टेम्बर, ये आराम से आप नोट्स जो लॉन्ग नोट्स है आराम से बना सकते हो, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। लेकिन लास्ट का 2 मंथ्स है ना, आपको नोट्स का रिविजन, या फिर अगर आपको ये मंथ में लेक्चर देख रहे हो टाइम नहीं मिला, आपको लेक्चर में नहीं लिखवा रहे हैं नोट्स, तो लास्ट के 2 महीने में बिल्कुल भी रिस्क मत लेना, क्योंकि लास्ट 2 महीने में आपका फोकस जितना हो सके चीज़ें याद करने में, रीड करने में होनी चाहिए, हाईलाइट करने में होनी चाहिए। मतलब मैं आपको इसका डिटेल की लास्ट 2 मंथ्स है, आपके पास नोट्स नहीं है तो आप कैसे पढ़ सकते हो वो मैं आपको बाद में बता दूंगी, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि लास्ट 2 मंथ्स में आपको ये सब नहीं करना है, आपको जो भी करना है नोट्स अगर बनाना है, खुद का बनाना है, दिस इज़ द बेस्ट पीरियड, आप आराम से बना लो अभी जैसा बनाना है। उसके बाद हो गया हाइलाइटर का कैसे यूज़ करें। आपको जब भी कोई टीचर पढ़ा रहे और कोई वर्ड पे एम्फसाइज करे कि इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स है, उसको अभी से ही हाईलाइट करते जाओ। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा ये वर्ड्स तो जो आप आंसर में लिखोगे आने ही चाहिए, तो हाइलाइटर सब कुछ हाईलाइट मत कर लो, सिर्फ वो जो वर्ड है जो इम्पॉर्टेंट है वो हाईलाइट करते जाओ। और जिसके पास नोट्स मेकिंग का टाइम नहीं है, वो हाईलाइटेड वर्ड ही आपका नोट्स हो गया, क्योंकि आप सिर्फ हाईलाइटेड वर्ड ही पढ़ोगे, ठीक है। अभी बात करते हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाए। सी, शॉर्ट नोट्स आप कभी भी बना सकते हो, लास्ट के 2 महीने में भी बना सकते हो, क्योंकि शॉर्ट नोट बेसिकली आपको सिर्फ एक पेज में आपको पूरा जो आपने पढ़ा है चैप्टर उसका रिवीजन करना है। अब आप कैसे कर सकते हो, मैं आपको उसका मेथड बताती हूँ। समझो आपके चैप्टर है, उसमें क्या है, मीनिंग है, कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है और कुछ टाइप दिया है, समझो इतना चैप्टर है, तो आपको बेसिकली एक पेज में बस मीनिंग लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, ऐसे हेडर डालना है, हेडिंग कर देना है। उसके बाद आपको 2 लाइन में उसका बेसिक एक्सप्लेनेशन देना है, दैट्स इट। और ऐसा ही आपको एक पेज में पूरा चैप्टर, इंडेक्स मैपिंग बोलते हैं शायद इसको, तो इंडेक्स बनाना है और इंडेक्स के बाजू में सिर्फ उसका मीनिंग, आपको पूरा चैप्टर एक पेज में आपको समराइज करना है। या आप अभी भी कर सकते हो जब पढ़ रहे हो, या फिर लास्ट के 2 मंथ्स में, क्योंकि आप सिर्फ एक चैप्टर का बना रहे हो, लॉन्ग नोट्स थोड़ा बड़ा हो जाते हैं जहाँ पर आप डिटेल में बताते हो, तो दैट्स इट, आप अभी चालू कर सकते हो अपना नोट्स बनाना। सो उससे पहले मैं अपना नोट्स आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, मैं कैमरा घुमा रही हूँ ताकि मैं आपको अपना ये नोट्स एक्सप्लेन कर पाऊँ कि लॉन्ग नोट्स मैंने कैसे बनाया था। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो बेसिकली दिस इज़ माई नोट्स ऑफ CRPC, तो मैं आपको बताऊँगी आपको कैसे करना है। समझो आपने ये ऑफेंस वर्ड आपको सिखाया टीचर ने, मीनिंग मैंने ये हिंदी में लिखा है अपराध, वैसे आप हिंदी में लिख सकते हो, ये तो मेरे टीचर ने लिखा है, बस मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे लिख सकते हो। फिर डेफिनेशन में ऐसे मीन्स आप एरो करके कर सकते हो, और कुछ इम्पोर्टेंट रेड से लिखना, ठीक है, पनिशमेंट ये जो है वैसे ही। तो ये वापस आपको ये जो इम्पोर्टेंट मीनिंग है वो मैंने लिखा है, उसका बेसिक मतलब मैंने यहाँ लिख दिया है। अभी ऑफेंस के टाइप, तो ऐसे मैंने लिखा है नॉन कॉग्निसेबल, कॉग्निसेबल, और यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन कर दिया है इजी वर्ड में, यहाँ पे ऐसा एक्सप्लेन कर दिया है। ये जो आप देख रहे हो ना सीरियस, ये सब मैंने लिखा था क्योंकि मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये आप भी लिख सकते हो। सो ऐसे ही आपको सब बनाना है। अगेन समझो ये आप समझ जाओगे, ऐसा आपको एरो करके सब लिखना है। ये नोट्स हमारे टीचर ने हमें लिखाया था, मतलब CS कार्ड से मैंने देखा था वहाँ पे। ऐसा आप मैप बना सकते हो, कोई भी चीज़ समझना है, ये हो गया सी विटनेस, ऐसा करके, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ों के लिए बनाना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट